आपको यहाँ पर बता देते, घरौंडा से, हथेगुंड बैराज से छोड़ा 2 लाख क्यूसेक पानी, बता दें आपको 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया हथीकुंड बैराज से, यमुना से सटे कई गांव में बाढ़ का खतरा जो है वो बना हुआ है। घरौंडा से इस वक्त की बड़ी खबर, घरौंडा के कई गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बड़ी खबर घरौंडा से आ रही है, लालूपुरा मुंडई गढ़ी क्षेत्र में यमुना उफान पर है। तो मंडी आपको बता दें, मुंडी गढ़ी में करीब 50 एकड़ गन्ने की फसल है। सुशील कौशिक संवाददाता हमारे साथ घरौंडा से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, फिलहाल क्या स्थिति वहां बनी हुई है? देखिए, जिस प्रकार से हथेगुंड बैराज से करीब 2 लाख क्यूसिक पानी कल छोड़ा गया था, देर रात घरौंडा क्षेत्र में एंटर कर गया है। बात करें गांव लालूपुरा मुंडागढ़ी और यमुना के जो आसपास के गांव है उनमें जो यमुना है वो पूरे उफान पर है। गांव मुंडागढ़ी के किसानों का कहना है कि करीब 50 एकड़ जो गन्ने की फसल है वो यमुना में पूरी तरह से बह चुकी है। और जो जिस प्रकार से तट लगातार यमुना के बहाव से या यमुना की तेजी से टूट रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं गाँव में बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। हालांकि प्रशासन ने एक दिन पूर्व अलर्ट कर दिया था कि जिस प्रकार से यमुना में पानी छोड़ा गया है कहीं ना कहीं गाँव में इस प्रकार की स्थिति बढ़ते रहते, इसलिए वो अलर्ट रहे, लेकिन ग्रामीण अब दहशत में है। जी सुशील, फिलहाल क्योंकि बाढ़ का खतरा जो बना हुआ है, ऐसे में निचले इलाके में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की लिए तैयारी भी प्रशासन ने कर ली है क्या? जी, जिस प्रकार से प्रशासन ने 2 दिन पूर्व अलर्ट कर दिया था, लेकिन जिस प्रकार से यमुना का जो पानी है वो पूरी तेजी से बहाव पर है और निचले इलाके में यमुना ने जो खेतों पे है अपने आगोश में ले लिया, लेकिन किसी प्रकार की जो जान की है वो अभी तक किसी प्रकार की हानि नहीं हुआ है। क्योंकि अलर्ट के चलते है जो ग्रामीण है खेतों में रहते थे, जिन्होंने अपनी झोपड़ियां बना रखी थी उन्होंने खाली करके वो अपने गाँव में आ गया, लेकिन मुंडोगढ़ी गाँव में करीब 5 एकड़ दूर ही यमुना का जो पानी है, ग्रामीणों का कहना है कि जिस प्रकार से तेजी से पानी बढ़ रहा है कहीं ना कहीं वो गांव के लिए खतरा बढ़ सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील कौशिक इस तमाम जानकारी के लिए। घरौंडा के कई गांव में जो खतरा है वो मंडरा रहा है बाढ़ का, और ऐसी स्थिति में अगर स्थिति बिगड़ती है तो यहाँ पर और भी ज्यादा खराब स्थिति जो है वो बन सकती है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो घरौंडा से इस वक्त की बड़ी खबर, घरौंडा के कई गांव में जो बाढ़ का खतरा है वो मंडरा रहा है, यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद स्थिति ये बनी हुई है। आ रहे हैं पानीपत।